मैं तो कह रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए अब हर किसी को, हर परिवार को आगे आना पड़ेगा। अब वो चॉइस नहीं बचा है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, अब वो समय नहीं। अब समय ये है, अब ये धरती और ये पर्यावरण आपको कह रही है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बचाइए। धरती तो बच जाएगी, धरती फिर से जो है वापस से उसी रंग में आ जाएगी, चाहे मानव जाति रहे या नहीं रहे। तो धरती की अपनी ये प्रकृति है, लेकिन धरती आपको बता रही है कि अगर आपको रहना है तो आप सबको जो है आगे बढ़कर पहल करनी पड़ेगी। और मैं सयाद्री देवराई, जो कि सयाजी शिंदे और उनके दोस्तों ने शुरू किया, मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ। उनके जुनून को देखते हुए, ये कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे जो आना चाहे आए, हमको उससे मतलब नहीं कौन आ रहा है। लेकिन अगर वो पर्यावरण के जुनून के साथ आ रहा है, उसके हमारे पैशन के साथ, हमारे प्रेम के साथ, हमारे पर्यावरण को लेकर के चिंता के साथ अगर वो जुड़ रहा है तो सबका स्वागत है। और हर वर्ग के आदमी को हम इसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, अभी हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र सयाजी महाराष्ट्र में है, तो इनका जो पूरा ग्रुप है ये महाराष्ट्र में सयादी देवराई काम कर रहा है। और इनका जो प्लानिंग है कि लाखों लाख पेड़ महाराष्ट्र के हर ज़िले, हर गांव में लगाए जाएं। हर पंचायत को नर्सरी में पेड़ उगा के भेजे जा रहे हैं। तो आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये शुरुआत नहीं है इन लोगों की, ये शुरुआत कर चुके हैं 6 साल पहले से, बहुत साल पहले से ये शुरुआत कर चुके हैं और लगातार काम चल रहा है। ये तो 26 जनवरी का एक समय ऐसा था, तो हमने कहा कि अब हर ओकेजन जो होगा देश का या परिवार का, उसमें पर्यावरण जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो समय आ गया। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस on all our videos by clicking on the bell icon.